प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से मैं शिंजनी कुलकर्णी अयोध्या के इस पावन धरती पर रामायण कला उत्सव के तीसरे और आखिरी दिन के इस अंतिम पर महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह सत्र पद्म विभूषण से अलंकृत माननीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी के लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन का है। डॉक्टर सोनल मानसिंह जी से हम सभी परिचित हैं और आज वो हमारे लिए प्रस्तुत कर रही हैं उनकी विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कथा सियाराम की के कुछ प्रसंग। आपके साथ आज पखावज और बोल पढ़ंत प्रसंगत कर रहे हैं श्री ऋषि शंकर उपाध्याय जी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ स्वागत करें हमारे कलाकारों का। Thank you.
जय श्री राम, जया जय सियावर राम, जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली की जय, सियावर राम की जय, अयोध्या नाथ की जय, सीतापति राम की जय, नारायण नारायण नारायण। मिथिला में चारों ओर उमंग उत्साह उल्लास छाया हुआ है। मंगल वाजिंत्र बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी घरों पे रंगोली तोरण बंधन द्वार बंधे हैं, रंगोलियां हुई हैं। दसों दिशाओं से चक्रवर्ती सम्राट राजा राजा सामंत आदि देश विदेश से अपने दल बल के साथ मिथिला पहुंचे हैं। सभी के मन में अत्यंत आशा भरी हुई है। यथोचित सत्कार आदर करके सभी को निवास अपने अपने दलों के साथ मिथिला में ध्वजा पताका फहरा के दिया गया है। और प्रातः काल विवाह मंडप सजा है, स्वयंवर मंडप इंद्र सभा जैसा दिखता है। सभी अपने दल समेत आ रहे हैं, अपने अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। राजा जनक पधारते हैं और वहीं घोषणा होती है, ऋषिवर विश्वामित्र आ रहे हैं। राजत राज समाज महु कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर धन विश्व बिलोचन चोर। विश्वामित्र ऋषि के पीछे पीछे श्याम मेघ वर्ण श्री राम और उनके पीछे गौर वदन के श्री लक्ष्मण आगमन करते हैं। सभी की दृष्टियां वहीं जाती हैं। राजत राज समाज महु कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन सुनाते हैं। महाराजा जनक विदेही की प्रतिज्ञा। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर क्या प्रतिज्ञा ली है। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुब कठोर विदित सब काहु। सबको विदित है कि यदि नृप राजा सामंत चक्रवर्तियों का भुज बल पूर्ण चंद्र की तरह है तो
शिव जी का दिया हुआ ये कठोर धनुष राहु की तरह आपके भुज बल को ग्रस लेगा। विदित तो है ना, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुब कठोर विदित सब काहु। और फिर रावण बाण महावट मारे, रावण बाण महावट मारे, देख सरासन गवहि सिधारे, रावण बाण महावट मारे, देख सरासन गवहि सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा। यही वो धनुष है जिसको रावण बाण जैसे महाभट देख के ही निकल गए, वो यही धनुष है। और अब त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरही हटते ही। जो भी इस धनुष को उठा के तोड़ने में समर्थ होगा उन्हीं के साथ बिना विचार किए जनक सुता वैदेही गले में जयमाल डाल देंगी, उन्हीं के साथ उनका विवाह होगा। सबको ये बात बहुत भा गई, मन में उत्साह उमंग आशा कूदने लगी और सारे एकत्र हुए हैं, सारे अपने अपने पड़ोसी अड़ोस पड़ोस को देख रहे हैं, कहीं मेरे से ज़्यादा रूपवान मेरे से ज़्यादा समर्थ तो नहीं दिख रहा। अपने अपने मुकुट संभाल रहे हैं, अपने अपने अंग वस्त्र ठीक कर रहे हैं और सीधे होके बैठ रहे हैं, मूछों पर ताव दे रहे हैं। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुब कठोर विदित सब काहु, रावण बाण महाभट मारे, देख सरासन गवहि सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। सुनिपन प्रतिज्ञा सुन के, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, अभिलाषा और मन में उठी, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भटमानी अतिशय मन माखे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, एकदम उठ गए अपने अपने अंग वस्त्र, अपने परिकर, अपने कटी वाले। सिर नवा के अपने इष्ट हैं, विष्णु हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, देवी हैं, गणेश हैं, जो हैं। चले इष्ट देवन सिर नाई, चले मैं वहां साक्षी हूं, मैं भी बैठी हूं,
रही हूँ। कितने हाथ लंबा है, तरह तरह के उपद्रव वहां दृष्टिगोचर हुए दिखे, लेकिन हालत अवस्था तो ठीक नहीं लगी। उसमें जो गिर गए, फिसल गए, मुकुट गिर गए, अंग वस्त्र खिसक गया, कहीं कड़ा कहीं भुजबंद कहीं सब गिर गया, उसको उठाने वाला कोई नहीं, चुपचाप मुंह दबाए निकल गए। अब तुलसीदास जी, मुझे ये बहुत ही मेरा प्रिय अतिशयोक्ति अलंकार है, एग्जाजरेशन टू व्हाट एक्सटेंट, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह नौ दस हजार, 10,000 राजाओं ने मसलत की कि हम सब इकट्ठे होकर धनुष उठाएंगे। सोचा नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए लाइन लगी है, नहीं सोच रहे हैं कुर्सी पे एक ही बैठ सकता है। सोचा नहीं कि जानकी तो एक के गले में ही मालार्पण करेंगी, 10,000 के गले में नहीं करेंगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि तुलसीदास जी ने जो एक मूर्खता जड़ता की पराकाष्ठा हमारे सामने रखी है, उससे बहुत कुछ सीखना है। आज के नेता काश इसको पढ़ें और समझें। चलिए, जर्नलिस्ट बैठे हैं, थोड़ा मुझे संभल के कहते हैं 10,000 राजा इकट्ठे हो गए। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही
परिवारा लगे उठावन टरही लटारा भूप सहस दस ए कही पारा लगे उठावन टरही लटारा उठाने लगे तो टस से मसक भी नहीं हुआ धनुष श्री हत भय श्रीहत भय नूरविहीन लस्टर गॉन लस्टर लेस फेसेस श्रीहत भय हारी हिय राजा बैठे निज निज जाए समाजा अपने अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गए मुंह लटकाए मुख उनका नीचे मुख चंद्र उनका विलीन हो गया नूर विलीन हो गया ऐसे राजा जाके बैठ गए। राजा जनक कह रहे हैं ये सारा देखकर ये दृश्य राजा जनक ने देखा जो एक महान दर्शक जनक विदेही देह में रहते भी जो देह के साथ इनका कोई मोह नहीं आकर्षण नहीं ऐसे राजा जनक विदेही उनसे भी ये देखा न गया अपने आप को संभाल नहीं पाए और बोल उठे नृपन बिलोक जनक अकुलाने नृपन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने रोष से उनको कभी रोष नहीं आया जीवन में आज उनकी आवाज में रोष है बोले बचन रोष जनुसाने अरे कहु काही यह लाभ न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावा किसको यह लाभ नहीं चाहिए हु डजंट वॉन्ट टू मैरी जानकी लेकिन शंकर जी का धनुष क्यों नहीं चढ़ाया काहू न शंकर चाप तुम बजाते रहो हल्के काहू न शंकर चाप चढ़ावा नॉर्मल बजाते रहो। रहु चढ़ाऊ तोरव भाई अरे रह गया धनुष को उठाना प्रत्यंचा चढ़ाना और खींच कर तोड़ना रहु चढ़ाऊ तोरव भाई तिल भर भूमि न सके छुड़ाई तिल भर भूमि यहां से वहां आप छुड़ा नहीं सके धनुष को हिला भी नहीं सके अब जन को माखे भट मानी अब कोई अपने आप को भट बड़ा मानी पुरुष ना समझे अब जन को माखे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी पृथ्वी पर कोई वीर पुरुष नहीं रह गया मुझे आज समझ में आ गया वीर विहीन मही मैं जानी त्यजहु आस निज निज ग्रह जाऊं अब सब आशा छोड़ के अपने अपने घर पधारिए जाइए क्या जाहू आस निज निज ग्रह जाऊ अलिखान विधि वैदेही विवाह मेरी पुत्री वैदेही के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। जनक का ये कहना था जब मैं वाराणसी बीएचयू में उनके स्वर्ण जयंती 1900
79 शायद 1979। पहले ही दिन मेरा था, छात्रों के बीच में भयंकर मारामारी थी। वाइस चांसलर डॉक्टर श्रीमाली ने हाथ जोड़ लिए थे, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी प्रोफेसर्स ने कहा नहीं करना तो पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि सोनल मानसिंह जी को बुलाते हैं। पहला दिन संभल गया तो हो जाएगा, मुझे तो सब कुछ पता नहीं था। बारिश भी हो रही थी और तैयार तब तुरंत किया गया सीमेंट का मंच। उबड़ खाबड़ यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ छींटे पड़े हुए हैं, उसमें मुझे लाके खड़ा कर दिया। हम दिल्ली से चले गए और उसके बाद जब आखिर में सीता स्वयंवर का प्रसंग किया, पानी चाहिएगा मुझे, पता नहीं आज मुंह सूख रहा है मेरा, सब राजाओं के मुंह सूख गए थे वैसे ही। तो मैं बताती हूँ हमेशा के कौन से दोहे चौपाई को मैंने जोड़े हैं। जब मैं कमेंट्री अनाउंसमेंट कर रही थी, जनक राजा ने कहा वीर विहीन मही मैं जानी, पीछे से एक लड़का उठ खड़ा हुआ, आवत है। और ये आज तक लोगों को याद है, आप मानिए। चेन्नई में दो बहनें उस वक्त बीएचयू में थीं, जब कृष्ण गान सभा में मेरा कार्यक्रम था, कार्यक्रम के बाद आके वी स्टिल रिमेम्बर आवत है मैडम, डू यू रिमेम्बर। मैंने कहा जिन जिन्होंने देखा कभी भूल नहीं पाए, एकदम शांति। मैंने कहा आप नहीं, बैठ जा, बैठा दिया उसको। वीर विहीन मही मैं जानी, त्यज हूँ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वै दे विवाह, भाग्य में नहीं है। ये सुनते ही शेषनाग के अवतार क्रोध से भर गए, और लक्ष्मण जी का क्रोध विख्यात था, जितने श्री राम शांति के सौम्यता के समुद्र उतने ही लक्ष्मण एक्साइटेबल। माँ के लखन कुटिल भई मोहे, माँ के लखन कुटिल भई मोहे, रदपट फरकत नैन रिसोहे, लाल हो गई आंखें, भौहें भ्रू नृत्य करने लगे। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। और उठाए उसने अपना धनुष और विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया, सौमित्र शांत। लखन सकोप बचन जो बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। शेषनाग के अवतार है, शेषनाग की फणा के ऊपर पृथ्वी है टिकी हुई, और जब शेषनाग क्रोध करते हैं तो पृथ्वी डोलने लगती है। दिग्गज जो चार गज, चार हाथी चार कोनों में, वो भी डोलने लगे। ये हमारी कल्पनाएं हैं ऋषि मुनियों की, डगमगानी वही दिग्गज डोले। यहाँ सीता जी देख रही थी अपने गवाक्ष से, तब राम ही बिलोक वैदेही, तब राम ही
विलोक बदेहि सभय हृदय विनवत जेहिते सभय हृदय विनवत जेहिते। भय है हृदय में गौरी हे माँ कृपा कर, नीक निरख नयन भरी शोभा पितुपन सुमेर बहुरी मन छोभा। निरख नयन भरी शोभा पितुपन सुमरी, पिता का प्रण याद करके मन अति छोभा। कहाँ धनु कुलिश चाप कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। अरे भगवती कृपा कर, कहाँ ये शिव जी का कठोर धनुष और कहाँ मृदु गात वाले श्याम सुंदर हमारे प्रियतम। कृपा कर, सीता जी वहाँ आकुल व्याकुल प्रार्थना कर रही हैं। यहाँ ऋषि विश्वामित्र ने समझा शुभ घड़ी आ गई है, उन्होंने राम से कहा उठो राम आगे बढ़ो। विश्वामित्र समय शुभ जानी स्नेह मय बानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, जनक परितापा। उठो आगे बढ़ो, धनुष को तोड़ो और ऐसे जनक राजा का परिताप जो है, उनका जो क्रोध है उसको शांत करो। यहाँ श्री राम गुरु की आज्ञा मान के धीरे से उठ खड़े हुए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। ये लाघव शब्द जो है फूल की पंखुड़ी की तरह श्री राम ने धनुष को उठा लिया, जैसे कि कुछ है ही नहीं। अति लाघव उठाए धनु लेना, दम के उदामिनी जिमि जब लय पुनि धनु नभ मंडल सम भय, दम के उदामिनी जिमि जब लय को पता ही नहीं चला, सब खड़े हैं स्तब्ध। कब उठाया, कब तो प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींचा। ले तो चढ़ावे
आवत खेचत गाढ़े काहुन लखा सब देखत ठाढ़े तहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनी घोर कठोरा भरे भुवन धुनी घोर कठोरा भरे भुवन धुनी घोर कठोरा कठोर जो धनुष तोड़ा भयंकर शिव जी का को दंड धनुष ऐसी कठोर ध्वनि के तीनों लोक वहां पे शब्द छा गया एकदम क्या हो गया झांझ मृदंग शंख सहनाई झांझ मृदंग शंख सहनाई झांझ मृदंग शंख सहनाई झांझ मृदंग शंख पहले बोलो तनक दिन नहीं है करता कति गन दा करता कति गन दा करता कति गन दा दा जान जमृतंग शंख सहनाई जान जमृतंग शंख सहनाई मेरी ढोल दुंदु भी सुहाई मेरी ढोल दुंदु भी सुहाई बाजही बहु बाजने सुहाए बाजही बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुबति न मंगल गाए जहाँ तहाँ जुबति न मंगल गाए झांझ मृदंग शंख सहनाई झांझ मृदंग शंख सहनाई उस वक़्त एसी नहीं होता था इसीलिए सभी के गाने गीत कंठ से निकलते थे सभी बाजे अच्छे बजते थे उतार चढ़ाव भी नहीं होता था और मंगल गीत मंगल वाद्य बजने लगे वहाँ पर सीता जी का श्रृंगार हो रहा है। सीता जी बहुत शांत भाव से बैठी हैं मन में अति आनंद है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे राम है वैसे मर्यादा शील सीता जी हैं। सखियां जानती हैं कि सीता जी के मन में क्या चल रहा है लेकिन सीता जी शांत होके बैठी हैं सखियां उनका श्रृंगार कर रही हैं। नादर दीम तन तीरना नादर दानी तो तीरना 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 नादर दीम नदानी तो तीरना नदीम तन तीरना नदीम तन तीरना नदानी तो तीरना नदीम तन तीरना नदानी
सीता जी तैयार हो गई, श्रृंगार हो गया और अब सखियाँ उनको ला रही हैं स्वयंवर मंडप में। मैं सोच रही थी कि एक छोटा ऑब्जर्वेशन कहूँ कि जहाँ अपने आप को, अपने आनंद को, अपने उत्साह को, उल्लास को, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही समेट कर, बहुत ही डिग्निफाइड, जो एक बात हमने देखी है, अनुभव की है, देखते आ रहे थे। तो अब जो है कि सीता जी पूरा, उनका तो ये अपना उस वक़्त स्टिच क्लॉथ नहीं होता था, धोती नुमा और कुछ बंध और वलय बाजू बंद, गोलुसु मुद्राएं, कटी मेखला, नवरत्न का हार, कंठमाला, ये सारा पहन के ऊपर से चल रही। आज इतना सा ब्लाउज, खाली पेट खुला, 5 लाख का घाघरा और यहाँ से, तो ये देखकर इट्स एन ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट, लेकिन हम लोगों का काम ही है कि हम अपनी बात की पुष्टि करें और समाज में जो आ रहा है, जो था अब जो है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करें। नॉट अ कॉमेंट, आई मीन नॉट अ निंदा नहीं है किसी बात की, लेकिन जिसकी हम बात करते हैं, मर्यादा, डिग्निटी, सेल्फ कंट्रोल, वो जो आभूषण है उसके सामने ये सब तुच्छ है। तो विभूषण पुष्पे जा कांति जानो, विभूषण करी कन्या को आनो, वाराणसी रे पद देही आसु, वरण करी राम मन तोषु से, बोली तेले कौशिक जे गोली देला प्राय, बोली चंदन को होई ले रखु मनशी कजे। उड़िया उड़ीसी का है, विभूषण पुष्पे जहा कांति जानो, जिसके पुष्प जैसे कांति वही उसका विभूषण, भूषण है, विशेष भूषण। विभूषण करी कन्या को आनो, पहले तो कि इसको भूषण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन कन्या सीता को सारा विभूषण भूषण पहना के ले आओ और वो द्वार के उमरठे पे उसको लांग के एक पैर रखे और दूसरे पैर रख के आगे आए और रघुवर को माला पहनाए। कौशिक विश्वामित्र ने ये आज्ञा की तो जैसे कि शीतल चंदन का लेप हो गया, इतना सुकून मिला राजा जनक को। तो ये सीता जी पूरी श्रृंगार सहित आगे बढ़ रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तन सकोच मन परम उछाहु, तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लख परहि न काहु। नारायण लक्ष्मी का प्रेम जब से सृष्टि बनी तब से है, भूदेवी विष्णु का, जहाँ वराह अवतार में भूदेवी को पाताल से, समुद्र से ले आए थे। वसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना,
शशि निकलंक कलेव निमग्ना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश हरे। तो ऐसी भूदेवी और नारायण का गूढ़ प्रेम किसी को नहीं समझ में आता। गूढ़ प्रेम लख परहिन काहू जाय समीप राम छवि देखी रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। चित्रवत शब्द हो गई, वही के वही खड़ी रही, न पलक झपकी न हिली डुली। वही चतुर सखी जो पुष्प वाटिका में सीता का हाथ पकड़ के कह रही थी, आंखें खोल के जरा देख ले जा, वही सखी चतुर साथ में है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराव बुझय माल सुहाई। शुभ घड़ी जा रही है, मुहूर्त जा रहा है, क्या कर रही हो? ये लो जयमाला पहनाओ जल्दी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराव उजय माल सुहाई, पहिराव उजय माल सुहाई। रोचना कनक थार भरी भरी आरती संवारी नर नारी चली गावती। दूध दधि रोचना कनक थार भरी भरी आरती संवारी नर नारी चली गावती। लीने जयमाल कर कंज सोहे जानकी, लीने जयमाल कर कंज सोहे जानकी। पहिरावो रागो जुको सखियां सिखावती, पहिरावो रागो जुको सखियां सिखावती। दूध दधि रोचना कनक थार भरी भरी आरती सवारी नर नारी चली गावती। तुलसी मुदित मन जनक नगर, तुलसी मुदित मन जनक नगर। झांकती झरोखे झांकती झरोखे झांकती झरोखे रागी शोभा रानी पावती, झांकती झरोखे लागी शोभा रानी पावती। दूध दधि रोचना कनक थार भरी भरी आरती सवारी नर नारी चली गावती। आरती सवारी नर नारी चली में तुलसीदास जी का हास्य रस फिर से फूटता है। क्या कहते हैं, रघुवर उर जय माल, रघुवर उर जय माल, देख देव बरसही सुमन। इनके गले में जयमाला देखकर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, जो सारे राजा महाराजा चक्रवर्ती सावंत मुंह लटकाए बैठे हुए थे, रात में कुमुदिनी खिलती है और सूर्य जब आता है सुबह तो रात वाली कुमुदिनी मुरझा जाती है। इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी श्री राम के गले में जयमाला देखकर
देवताओं ने तो पुष्प वृष्टि की, लेकिन सारे राजा रात की कुमुदिनी की तरह और मुरझा गए। रघुवर उर जय मान देख देव बरसही सुमन सकुच सकल भुवाल जनु बिलोक रवि कुमुद गन रघुवर उर जय मृदंग शंख सहनाई झांझ मृदंग शंख सहनाई। रथों में सवार होकर श्री रामचंद्र सीता जी के समेत श्री लक्ष्मण जी छत्र पकड़े हुए हैं जा रहे हैं। रघु झांझ मृदंग शंख सहनाई झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई भेरी ढोल दुभी सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाई जहाँ तहाँ जुवती न मंगल गाय जहाँ तहाँ जुवती न मंगल गाय ये सीता स्वयंवर का प्रसंग 1974 से चला रहा है। भरतनाट्यम में हुआ, फिर ओडिसी में हुआ, कथा में हुआ, हो रहा है। तो आपने देखा कि जब शुरू में ये लगना चाहिए था मेरे कमरे में बाहर रख दिया, तो उनको भी आंखें दिखाई गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ जाके जैसे तैसे लगा। हर चीज़ की मर्यादा, सभागृह की मर्यादा, रसिक सभा की मर्यादा, रंगमंच की मर्यादा हमें रखनी पड़ती है। और इसीलिए कहा है सभा कल्पतरुद्भाति, सभा कल्पतरुद्भाति, कल्पतरु कल्प वृक्ष के समान रसिक सभा मानते हैं हम। वेद है शाखोपशोभितः, जो सारे वेद हैं उनकी शाखाएं ब्रांचेस ऑफ द ट्री कल्पतरु। शास्त्र पुष्प समाकीर्ण, और उस पे शास्त्र जैसे कि पुष्प खिलते हैं ब्रांचेस पे वैसे खिले हुए हैं। और विद्वत भ्रमर संयुतः, जो विद्वान है वो भ्रमर की तरह शास्त्र रूपी पुष्पों के आसपास मंडरा के शास्त्रों का रस चूसते हैं, जिसमें पूरे कल्प वृक्ष का रस भरा हुआ है। ऐसी है रसिक सभा। तो रसिक सभा का आदर करना प्रत्येक कलाकार का धर्म है। इसीलिए आप मुझे क्षमा करें कि शुरू में आरंभ में थोड़ा इधर उधर हुआ, मुझे क्षमा करें। मेरा आवाज़ मेरा गला एसी को सहन नहीं करता है, थोड़ी आजकल दिक्कत है आफ्टर माय 15 डेज ऑफ कोल्ड एंड कॉफ चेंजिंग सीजन इन दिल्ली। लेकिन उस सब को नगण्य करते हुए मुझे जो आनंद मिला है सीता स्वयंवर में, कि वो सीता जिनके बारे में आज बहुत चर्चाएं हुई, वो सीता जो वाल्मीकि की तेजस्विनी, वो सीता जो जनक विदेही की पुत्री, वो सीता जिसने गेंद निकालने के लिए एक हाथ से शिव जी का कोदंड धनुष उठाया, दूसरे हाथ से गेंद उठा ली, छोटी सीता राजा जनक ने देखा, आह अब तो ऐसा ही वर ढूंढना पड़ेगा
जो इसको दंड धनुष को उठाए, इसीलिए वो प्रतिज्ञा हुई, इसीलिए वो प्रतिज्ञा की गई और इसीलिए श्री राम के हाथ से को दंड धनुष का की प्रत्यंचा खींचना और धनुष का टूटना ये सारा हुआ। तो ये विधि निर्मित था कि भूमि पुत्री सीता भूदेवी और नारायण का विवाह हो और ये पूरी कथा आगे चले। तो आपके सामने सुबह थोड़ा सा दृष्टि, कॉलेजेस में जाती हूँ कभी इसकी बात करती हूँ कि श्री राम ने एक दृष्टि देखी, सीता जी ने एक झलक देखी। अब आज तो राम सीता मुझे हर जगह दिखते हैं अलग अलग स्वरूपों में। तो चाहे कलयुग है चाहे त्रेता युग था, हमारी दृष्टि भगवती ऐसी रखे कि हमें हर जगह सुंदरता दिखाई दे, हर जगह शुभ दिखाई दे, मंगल दिखाई दे और हर वक्त हमारे मन में कल्याण की भावना रहे। यही मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है। आप सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद। ऋषि शंकर उपाध्याय ये बड़े, हाँ हाँ, ये पूरे खानदान इनका पकवाज का है, पिताजी वगैरह सब। बहन छोटी इतनी सी है, ये बड़ा पकवाज बजाती है, इसको टक्कर देती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मैम। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उम्मीद है आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने इस विशेष सत्र लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन बाय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का आनंद लिया होगा। मैं पद्म विभूषण से अलंकृत माननीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी को इस विशेष प्रस्तुति के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ एहसास विमेन ऑफ लखनऊ कनक जी, दीपा जी और डिम्पी जी को कि वो मंच पर पधारें और डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का सम्मान करें। मैं कार्यक्रम के प्रायोजक श्री सीमेंट, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और साहित्य अकेडमी का भी आभार प्रकट करती हूँ।